नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आए दिन स्टाफ की लापरवाही देखने को मिलती है। 5 दिसंबर को दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जो कि 5:35 पे थी, वह 6:40 पे दिल्ली के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट पर लगे चेकिंग के लिए लोग लंबी कतार में खड़े थे, पर स्टाफ नदारद था। वहां खड़े दूसरे स्टाफ से जब पूछा गया कि स्टाफ कब आएगा, तो स्टाफ सिर्फ बहाने बनाता रहा। कतार में खड़े बुजुर्गों को काफी परेशानी देखनी पड़ी। एयर इंडिया है, कोई स्टाफ नहीं है, टाइम से लगेज की लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। एयर इंडिया का प्रोसेस, सभी स्टाफ लोग अपने अपने जगह किनारे पकड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं। देखा जा रहा है क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं। सबका अपने अपने काम हो रहे हैं, इन्हीं लोग कोई स्टाफ नहीं है, कोई स्टाफ बैठा हुआ नहीं, किसी स्टाफ को कोई मतलब नहीं। टाइम हो चुका है, उन लोगों का कहना है कि एग्जैक्ट टाइम में ही खुलेंगे। हमारे एयर इंडिया एक्सप्रेस का टाइमिंग है वही, अगर ऐसा रहा तो कितना कस्टमर को तकलीफ होती है, आप देख सकते हैं। आखिर कब तक इस तरह की लापरवाही होती रहेगी? आए दिन रांची एयरपोर्ट पर यह लापरवाही देखने को मिलती है। कब हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी? आखिर क्या वजह है जो इतनी लापरवाही को नजरअंदाज किया जा रहा है? एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की हालत भी अंदर से जार जार दिखी। जनता से किराया बड़ा बड़ा कर वसूला जाता है, तो सुविधा क्यों नहीं दी जाती? आखिर कब तक ये जनता को सहना होगा? इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ, धन्यवाद।